मजबूर किया जिस समाज ने ये पंक्तियाँ लिखने पर, मजबूर किया जिस समाज ने ये पंक्तियाँ लिखने पर, आज उसी की तालियों से ये दिल खुश है। अब महफिल बहुत अच्छी है तो महफिल के लिए एक, महफिले दस्तूर में हुए हाजिर तो, महफिले दस्तूर में हुए हाजिर तो, पर क्या मायने हुजूरे पेशगी जब हो ना सके हासिल तो। कविता का नाम है मेरे प्रिय उग्रवादी। आई होप मैं इसके बाद घर सही सलामत जा पाऊँ। तो सिर्फ एक आर्ट है, इसको आर्ट की तरह से देखा जाए। रंग दिया मेरा तिरंगा उन्होंने भगवा रंग से, रंग दिया मेरा तिरंगा उन्होंने भगवा रंग से, पूछती हूँ मैं क्या पंथ है ये उग्रवादियों का, तो कह लेने दो मुझे मेरे प्रिय उग्रवादी, तो कह लेने दो मुझे मेरे प्रिय उग्रवादी, घर था भारत ये अलग रंग जात पात का, घर था भारत ये अलग रंग जात पात का, धर्म निरपेक्षता की मखमल सी जमी पर बहती हवा ईद और दिवाली की, चांदनी चौक की गलियों का शोर चिल्ला रहा है, अपनी प्रामाणिकता का प्रतिबिंब देने पर मजबूर किए गए मुस्लिम बोल पड़े हैं अब वंदे मातरम। मेरे प्रिय उग्रवादी, मौका तो मिल ही गया तुम्हें अगले 5 साल तक मंदिर बनाने का, मेरे प्रिय उग्रवादी, मौका तो मिल ही गया तुम्हें अगले 5 साल तक मंदिर बनाने का, भगवा पंथियों को भड़काने का, जोर जोर से चिल्लाने का, वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरा दोस्त अब्दुल डरता है अब, डरता है इन उग्रवादियों से, बयां करती है उसकी खामोशी सब, मेरे प्रिय उग्रवादी, देखा मैंने कैसे सोशल मीडिया की स्क्रीन के पीछे छुप कर वार करते हो तुम, माँ बहन बेटी की इज्जत की नुमाइशों में तुम्हारी नीयत बयां करती उन्हीं बहन बेटियों की तस्वीरों पे, घटिया टिप्पणियां देते आज की लड़कियों को भारतीय समाज का कलंक बताते जो वो चली ना तुम्हारे हिसाब से, तुम चिल्लाते रहे छुप कर कि आवाहन है ये, बताते रहे समझाते रहे रखवाले नहीं तुम दुनिया के, मेरे प्रिय उग्रवादी, किसी न्यूज चैनल पर बैठ के बकते रहे तुम, हिंदुत्व की आग लगाते रहे तुम, कई नाक की दिशा में चलने वालों को के संग बना ली तुमने अपनी उग्रपंथी, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी विजय की। अच्छा मेरे उग्रवादी, अब जरा सुनो तो, बहुत दिनों से बहुत कुछ कह रहे हो तुम, रखवाले नहीं विध्वंसक हो, भौकाल तुम्हारा परचम लहरा भी दे हिंदुत्व का, तो याद रखना इंसानियत नहीं मिटा सकोगे तुम, मेरे प्रिय उग्रवादी।